सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर यूट्यूब एक यूट्यूबर को, एक यूट्यूब क्रिएटर को कितने रुपए देता है, हर 1000 व्यूज के लिए कितने डॉलर्स देता है। कंप्लीटली मैं आपको शो करने वाला हूँ, 100% प्रूफ दिखाऊंगा, एनालिटिक्स भी दिखाने वाला हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे दोस्तों मुझे ये वीडियो बहुत पहले ही बनाना था, बट हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस थे जिसमें 1000 के ऊपर व्यूज़ गए, सबके सब मोनेटाइजेशन से पहले अपलोड किए गए थे। जहाँ पे हमारा मोनेटाइजेशन हुए, एक महीना कंप्लीट हो चुका है, मार्च के फर्स्ट वीक में हमारा मोनेटाइजेशन हो गया था। और उससे पहले जितने भी वीडियोज़ थे उसमें भी बहुत सारे व्यूज़ आए थे मोनेटाइजेशन के बाद, बट तो भी स्टार्टिंग से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है वो सारे वीडियोज़ से। वो वीडियो सारे स्टार्टिंग से मोनेटाइज नहीं है। तो फाइनली हमने एक और वीडियो अपलोड किया था प्रोसेसर के ऊपर, जिसमें हज़ारों में व्यूज़ गए और वो हमारा मोनेटाइजेशन के बाद अपलोड किया गया था। और स्टार्टिंग से उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जहाँ पे उस वीडियो में अभी करंटली कुछ 5.8 के व्यूज़ आ चुके हैं। और हमारा जो अर्निंग आप जैसे कि एनालिटिक्स में देख सकते हैं, कुछ 250 रुपीज़ के आसपास, यानी 3.42 डॉलर के आसपास अर्निंग हो चुका है। यहाँ पे ये जो अर्निंग आपको देखने को मिल रहा है, ये 5.8 के व्यूज़ के लिए नहीं है, क्योंकि जो लास्ट के 500 व्यूज़ आए उसका अभी तक रेवेन्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। और ये जो आपको अर्निंग देखने को मिल रहा है, अगर हमको कस्टम में दिखाए तो आप देख सकते हैं ये 5.3 के व्यूज़ के लिए ये अर्निंग, और बाकी जो व्यूज़ आया उसका अर्निंग रिफ्लेक्ट होने पर एक दो दिन का टाइम लगेगा। जहाँ पे अगर मैं आपको कस्टम में स्टार्टिंग के डेज में ले जाता हूँ, यहाँ पे जो पहला दो चार दिन रहा है इस वीडियो का, यहाँ पे पहले कुछ चार दिन में कुछ 1.1 के व्यूज़ इस वीडियो में आ गया था। और उसमें अगर आप अर्निंग देखें तो कुछ 0.73 डॉलर के आसपास, यानी 53 रुपीज़ के आसपास इससे अर्निंग हुआ है 1.1 के व्यूज़ के लिए, जो एक डॉलर भी नहीं है। 1000 से ऊपर व्यूज़ आए और एक डॉलर भी नहीं मिला है। तो जो गूगल सर्चेस में दिखाते हैं कि आपको $2, $3, $5 तक मिल जाता है, वो चीज़ डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में, और हमें यहाँ पे ऐसा अर्निंग इस वीडियो में देखने को नहीं मिला। जहाँ पे मुझे आपको एक और एग्जांपल दिखाना है जिसमें हज़ारों व्यूज़ नहीं आए, हमारे मोनेटाइजेशन के बाद ही अपलोड किया गया है, जहाँ पे वो वीडियो मोनेटाइजेशन के ऊपर ही था कि आप कैसे क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हो, तो वो आप जाके देख सकते हो, शायद आपको हेल्पफुल हो जाए। जहाँ पे उस वीडियो में सिर्फ अभी तक 32 व्यूज़ ही आए, बहुत कम व्यूज़ आए, और अब उस वीडियो में व्यूज़ आना भी बंद हो चुके हैं। बट अगर मैं आपको उसका अर्निंग शो करूँ तो कुछ 16 रुपये 60 पैसे के आसपास हुआ है अर्निंग। जहाँ पे अगर मैं फर्स्ट डे के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट डे में उस वीडियो का 20 व्यूज़ आ गया था, और उस 20 व्यूज़ से हमें 16 रुपीज़ अर्न हो गए थे, और जो बाकी के 12 व्यूज़ आए उससे हमें सिर्फ 62 पैसा के आसपास देखने को मिला है। तो यार 20 व्यूज़ के लिए 16 रुपये मिला, क्योंकि हमारा RPM और CPM बहुत ज़्यादा हाई था। आई नो 16 रुपये बहुत कम है, पर अगर आप 20 व्यूज़ के लिए देखो तो ये बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे अगर आप इस रेट से 1000 व्यूज़ के लिए रेवेन्यू कैलकुलेट करो तो वो कुछ 730 रुपये के आसपास आएगा, यानी करीब करीब $10। तो अगर आपका RPM CPM इतना चला जाए तो आपको $10 तक भी मिल सकता है। यहाँ पे आई थिंक जो हमारा CPM गया था कुछ 1200 रुपये के ऊपर चला गया था, और ये बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि आपने देखा एक एग्जांपल में, हमें जो रेट में पैसा दिया गया वहाँ पे वो एक डॉलर भी नहीं था 1000 व्यूज़ के लिए, और यहाँ पे जो हमें 20 व्यूज़ के लिए 16 रुपये मिले, इसका रेट यहाँ पे 1000 व्यूज़ के लिए $10 तक भी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है कि आपका रेवेन्यू कितना होगा। उससे पहले एक RPM CPM जनरेट होता है, जिसके थ्रू आपका व्यूज़ के लिए आपका एक रेवेन्यू जनरेट होता है। जहाँ पे जितने भी जो फैक्टर्स है जिससे आपका रेवेन्यू मैटर करता है, वो हो गया आपका वीडियो रिटेंशन, आपका इंगेजमेंट कैसा है ऑडियंस के साथ में, आपका वॉच टाइम, आपका इंप्रेशन, आपके कितनी मोनेटाइज प्लेबैक्स हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभार होता है कि लोग वीडियो देख रहे हैं और उसमें एड्स रन नहीं होता। इनफैक्ट अगर लोग आपके प्रीमियम मेंबर है, ये यूट्यूब में जो सब्सक्रिप्शन वाला सीन होता है, अगर वो सब्सक्रिप्शन लेके रखे तो उनको एड्स प्ले नहीं होता, उसका कुछ अलग रेवेन्यू का सिस्टम है। जहाँ पे आपका वीडियो का कैटेगरी, कि आप किस टाइप में वीडियो बना रहे हो, उसमें किस कैटेगरी के एड्स रन हो रहे हैं, वो एड्स कंपनी ने यूट्यूब को कितना पे किया, और आपके जो वीडियो में जो एड्स रन हो रहे हैं वो स्किपेबल एड्स है, नॉन स्किपेबल एड्स है, या बैनर एड्स है, उसे डेस्कटॉप में देखा जा रहा है, उसे फ़ोन में देखा जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। और एड्स में जो लिंक होते हैं, अगर व्यूअर्स में क्लिक करते हैं तो उसका ज़्यादा अर्निंग मिलता है। फिर अगर आपके एड्स जो रन हो रहे हैं, अगर उसे स्किप नहीं करके व्यूअर्स पूरा देखते हैं तो उसका भी एक अलग अर्निंग कैलकुलेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस में आपका RPM CPM जनरेट होता है। फिर उसके बाद आपके व्यूज़ के हिसाब से आपको वो पैसा मिल जाता है, जहाँ पर ऑब्वियसली व्यूज़ आने के बाद 24 से 48 आवर्स तक लग जाता है आपका रेवेन्यू उस व्यूज़ के लिए कैलकुलेट करने के लिए। यूट्यूब को एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम है यूट्यूब का इस अर्निंग
को जनरेट करने के लिए। जहाँ पे जब हम अर्निंग के बारे में बात कर ही रहे, तो मैं आपको बता दूँ जो भी आपको पैसा मिलता है, जितने भी एड्स रन हो रहे हैं, उसका जो पैसा यूट्यूब को दिया जाता है, उसका 45% यूट्यूब अपने पास रख के आपको 55% अर्निंग देता है। तो आपको जो भी अर्निंग मिल रहा है, सिर्फ 55% है जो एक्चुअल में यूट्यूब को दिया जा रहा है एड्स रन करने के लिए आपके वीडियो पे। जहाँ पे ये एड्स बहुत तरीके से भी मैटर करते हैं, अगर आप मिड रोलिंग एड्स डाल रहे हो, एंड में एड्स रन हो रहे कि नहीं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, तो एक्चुअल में से कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। जहाँ पे अगर मैं आपको अपने डेली के व्यूज़ बताऊँ, तो जो पुराने वीडियोज़ है सबसे मिला के हमारे चैनल पर डेली 1000 से ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं। हमारे लास्ट 28 डेज़ में 30K व्यूज़ आया, जैसे कि एनालिटिक्स में देख सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो 1000 के ऊपर व्यूज़ डेली आ जाता है। कभी कभार 800-900 व्यूज़ जाता है, तो कभी कभार 1400-1600 व्यूज़ भी चला जाता है। जहाँ पे अगर मैं आपको अपना डेली एवरेज अर्निंग बताऊँ, तो वो कुछ 35-40 रुपए, यानी हाफ डॉलर। तो जो लोग बोलते हैं कि आपको 1000 व्यूज़ के लिए $1-$2 मिल जाता है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ हाफ डॉलर मिल रहा है, $1 भी कंप्लीट नहीं हो रहा। जहाँ पे कभी कभार तो 24-25 रुपए मिलते हैं, तो कभी कभार 60-70 रुपए भी मिलते हैं, बट एवरेज कुछ 40 रुपए के आसपास है, यानी हाफ डॉलर के आसपास है। जहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मुझे 1400 व्यूज़ के लिए 30-35 रुपए मिले, और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि 700-800 व्यूज़ के लिए मुझे 60-70 रुपए तक भी मिले। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, और इसे कोई भी एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर सकता। जितने भी गूगल में बताए जाते हैं ऐसे ऐसे, वो सब के सब एक एवरेज है, एक एस्टीमेट बताया गया है, बट एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है। आपको $1 भी शायद ना मिले, या मे बी $10 भी मिल सकता है आपके 1000 व्यूज़ के लिए। जहाँ पे अगर हम अर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और मेथड है जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो यूट्यूब के मदद से ही, और आपका ज़रूरत नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो या नहीं हो, तो उस पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ तक देख लिया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर आपके अपने थॉट्स बताने, कुछ भी सजेशन है या कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बटन दबा देना, क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियोज़ आते रहते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।